नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त दो हजार चौबीस और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग तो दोस्तों तारीख दो यहाँ पे चौदह नवंबर दो हजार चौबीस के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर लेकर आपके सामने हाजिर हूं दोस्तों वीडियो और आंसर पसंद आए जरूर फीडबैक करिए कमेंट करिए और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप टेलीग्राम चैनल साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए आज जबरदस्त चला है और साढ़े छह सौ के ऊपर दिया था हालांकि दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हो गया कल जिन लोगों ने एनालिसिस देखा होगा मैंने ये लेवल कल ही बताए थे कि ये कहां तक आ सकता है तो ये जीरो पॉइंट फाइव जो फिवनाची का लेवल कल का लगा हुआ है अभी भी मैंने हटाया नहीं 50260 तक आ सकता है आज का लो देखिए 49900 आ गया और एक समय वापस ये रिकवरी किया था लास्ट क्लोज होते होते लेकिन फिर क्लोजिंग कर गया खराब लास्ट में जो सेटलमेंट क्लोजिंग है ना वो 50088 पर आया यानी कि लगभग लग 50100 पे आया क्लोजिंग अच्छा नहीं किया हमें कम से कम क्लोजिंग चाहिए 50300 के ऊपर निकलता ना तो ये जो 0.5 वाला फिर नीचे का लेवल है ना उसके ऊपर ये क्लोज हो जाता उसके ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता तो ये अच्छा आपको थोड़ा सा थोड़ा सा आपको रिलीफ देता लेकिन अभी खराब क्लोजिंग हो गया इसके नीचे अगर ये चला गया यानी इस लो के नीचे अगर ये चला गया तब तो ये फिर 0.68 का जो लेवल है फिबोनाची का वहां आ जाएगा और इसका लेवल है 49300 49300 ये लेवल है अब सोचिए कितना भयानक काम हो रहा है और कहीं ग्लोबल खराब नहीं है सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडियन मार्केट में ही खराबी चल रही है अचानक से रिजल्ट इसका ट्रिगर हुआ रिजल्ट रिजल्ट सारी कंपनियों का खराब आना शुरू हुआ बहाना चाहिए था हाई वोल्युशन हो गया था मार्केट का बस उसके बाद जो सेलिंग आया तो अभी तक रुक नहीं रहा है और सेलिंग रुक इसलिए भी नहीं रहा है क्योंकि जितने जो अब जो डी आई है जो म्यूचुअल फंड वगैरह पे पैसा लगाते हैं हम लोग के थ्रू तो लोगों ने यहाँ पे अपने हाथ रोक रखे हैं कि भाई गिरता ही जा रहा है कितना खरीदेंगे नीचे सैलरी रोज थोड़ी मिलता है सैलरी तो महीने में एक ही बार मिलता है है कि नहीं तो ये भी प्रॉब्लम है तो ये सारी दिक्कतें हैं अभी आप इसको पंद्रह मिनट के चार्ट पे देखिए अब जो है इसके लिए अब देखिए एक समय ये गया था कोशिश किया था पचास हजार दो सौ नब्बे तक लेकिन क्लोजिंग लास्ट में जो है ना ये पंद्रह मिनट ये का सेटल नहीं हुआ है लेकिन अगर सेटलमेंट प्राइस देखेंगे तीन तीस वाला तो वो पचास हजार अठासी के आसपास का है यानी कि पचास हजार एक सौ के आसपास का है ठीक है वो क्लोजिंग है ये अगर इस एरिया के ऊपर निकल जाता ना तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता लेकिन दिक्कत हो गया तो आपको ये समझना है कि अगर आपको सेल करना है आज इसका एक्सपायरी था खत्म हो गया अब मंथली एक्सपायरी आएगा डायरेक्ट बैंक निफ्टी का है ना कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है लेकिन इसका अब सीधे मंथली एक्सपायरी होगा सत्ताईस तारीख को अब यहाँ क्या है कि अगर अपने लो को ब्रेक करता है यानी कि उनचास के नीचे निकालता है तभी सेल करिएगा नया सेलिंग अभी मत करिएगा Already over है, है ना? सो के नीचे निकलेगा तो ही सेल करिएगा टारगेट उनचास हजार आठ और फाइनली उनचास वाला टारगेट देखिए फिबोनाची का लेवल आ रहा है उनचास के आसपास तो डायरेक्टली ये 300 जा नहीं जाए हो सकता है अगर कोई रिवर्सल नहीं आया तब अगर रिवर्सल आ गया और एक बार ये पचास के ऊपर रुक गया तो थोड़ा आप मान के चल सकते हैं कि जान बचा अदरवाइज फिर से प्रॉब्लम तो पुट ऑप्शन आप यहां पर नजर रखेंगे आप उनचास का मैंने कई बार अपने वीडियो में बोला कि चौबीस हजार के नीचे निफ्टी जिस दिन निकले पुट ऑप्शन ले लेना है और जिन लोगों ने पुट ऑप्शन लिया होगा वो अभी छप्पड़ फार पैसा बना रहे होंगे क्योंकि निफ्टी वहां से पांच सौ पॉइंट गिरी है है ना और बैंक निफ्टी का भी सेम कंडीशन बताया था कि भाई उसके बाद तो पुट ऑप्शन में ही पैसा बनेगा तो यहाँ पे हमारा काम हो गया उनचास का पुट ऑप्शन लेना है अगर उनचास के नीचे निकलता है तो और ये सारे टारगेट आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं और रिकवरी आ जाए बाउंस आ जाए ऊपर की तरफ में पचास हजार तीन सो ये वो एरिया है जब तक ये एरिया नहीं टूटे तब तक में रिकवरी के चांस नहीं बनेंगे तो अगर बाइंग का इरादा है तो आपको इस एरिया के ऊपर आना पड़ेगा पहले यानी पचास हजार तीन सो के ऊपर अब पचास हजार एक सौ के आसपास की क्लोजिंग है मैं तीन सो के ऊपर बोल रहा हूँ तो भाई लेवल ही वही बन रहे मैं क्या करूँ टारगेट ऊपर पचास हजार चार सो और पचास हजार पांच सौ के छोटे वाले बनेंगे अब शॉर्ट कवरिंग अगर इसको सही से मिल गया तब तब ये पचास से लेके फिर पचास तक की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है अब जो है फिफ्टी जो है इसका मेन हर्डल रजिस्टेंस बन गया है इक्कावन हजार हालांकि हर्डल आपको पचास हजार पांच सौ पे भी है लेकिन शॉर्ट कवरिंग में ये टूट सकता है लेकिन जो साइकोलॉजिकल लेवल है फिफ्टी वन थाउजेंड वाला यहां पर वाला ये एरिया इसका मेन रजिस्टेंस हो गया कॉल ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे तो अभी इस हिसाब से पचास हजार चार सौ का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा बहुत ही भयानक गिरावट आया है इसमें नो डाउट पोर्टफोलियो सब का चाहे अमीर हो गरीब हो जिसका भी पोर्टफोलियो होगा सबका इवन मेरा भी भाई माइनस में होगा क्यों नहीं होगा मैं थोड़ी मार्केट से बाहर हूँ लेकिन यहाँ पे डर ना डरने की बात इसलिए नहीं होती कि क्वालिटी स्टॉक्स है क्वालिटी स्टॉक्स है इतना तो टेंशन नहीं है है ना न सारे पैसे अगर चिरकुट में लगा दिया है तो गड़बड़ है लेकिन अगर क्वालिटी स्टॉक्स में लगाया तो फिर डरिए नहीं क्योंकि रिकवरी आएगा तो उधर से ही पहले आएगा आपको अच्छा दूसरी बात क्या है कि अगर इसका हम लोग ऑप्शन डेटा देखें तो चलिए हम ऑप्शन डेटा देखेंगे और तेरह नवंबर खत्म सीधे सत्ताईस नवंबर होगा सत्ताईस नवंबर को भी देखते हैं तो सत्ताईस नवंबर वाला देखिए पीसीआर क्या बोल रहा है अभी सत्ताईस नवंबर का आया ना लेकिन उसके डेट वाले में जो हमारा बैंक निफ्टी है उस पर पीसीआर ओवर बाउंड बता रहा है बताइए यानी ये, ये बहुत ज्यादा बाइंग हो गई इसमें आज ही लोग बाइंग किया दूर का नीचे आना सोचा चलो इतना तो उसको खरीद लिया सब खरीद खरीद के इसको भी ओवर बाउड कर दिया अब गिरेगा तो पटाख से कहा जाएगा तो ये तो कुछ लोगों की होशियारी होती है चलिए अब यहाँ पे हम एट द मनी देखिए क्लोजिंग कर रहे हैं ना पचास हजार अट्ठासी पे तो एट द मनी पचास हजार एक सौ पर होंगे एक लाख साठ हजार यहां पर पुट राइटर है मतलब डेढ़ लाख और कॉल राइटर मात्र अस्सी हजार है तो ये क्या बोलता है कि पचास हजार एक सौ के ऊपर अगर निकलोगे तो ही हम तुमको सपोर्ट दे पाएंगे क्योंकि अभी तुम मेरे नीचे हो है ना पचास हजार एक सौ के ऊपर आओ तब ये जो डेढ़ लाख पुट राइटर है ये सपोर्ट देना शुरू करेगा और ये अगर सपोर्ट देगा तो ये कहाँ तक लेके जाएगा तो भाई साहब ये फिर पचास हजार तीन सो तक लेके जाएगा और पचास हजार चार सौ इसको अब रिकवरी आने के बाद जो मेन रजिस्टेंस एरिया है वो आपको मिलेगा पचास हजार छह सौ के आसपास में पांच सौ भी नहीं छो क्यों पचास हजार पांच सौ तक में मुकाबला ठीक है छह लाख पुट राइटर पौने छ लाख कॉल राइटर ये तक ठीक है लेकिन पचास हजार छह सौ पे आके मामला बदलता है पौने दो लाख पुट राइटर कॉल राइटर पौने दो लाख बराबर तो इसको मेन परेशानी पचास हजार पांच सौ से छ सौ के बीच में देखने को मिलेगा अगर ये रिकवरी करता है तो और नीचे की तरफ कहा नीचे की तरफ तो भाई लेवल तो खोल रखा है इसने उनचास वाला इसमें तो नो no डाउट पहले ही बता दिया कि उनचास के नीचे जाएगा तो उनचास आने में लेट भी नहीं लगाएगा लेकिन जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है थोड़ा सपोर्ट भी बढ़ता चला जाएगा ऑलरेडी और बीच बीच में आपको बाउंस भी देखने मिलेगा इसलिए आपको हर लेवल पे ये ध्यान रखना है कि जब तक इधर वाला कॉल राइटर बड़ा ना हो जाए तब तक कोई टेंशन नहीं है डीप आने पर उनचास आठ सौ सात सौ पर एक बार बाय का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकता है नीचे आने पे और एड हो सकता है बढ़िया लेवल ऐसे उनचास पाँच से छ का होगा इसकी संभावना नहीं है ऐसे नहीं आना चाहिए इनके साथ रात में कुछ बड़ा और डॉ वगैरह खराब ना हो जाए इनके तब तक कोई टेंशन वाली ऐसी बात नहीं है टेंशन तो जो होना था आज हुआ है मेरे ख्याल से आज जो ये फॉल किया है बैंक निफ्टी ये कहते हैं ना कि जब गाना ख़त्म होने रहता है तो म्यूज़िक बहुत तेज हो जाता है मुझे लगता है ये वही म्यूजिक था एक म्यूजिक और बज सकता है ऊंचा से तीन के लेवल के लिए यहाँ तक का एक म्यूजिक और बज सकता है अदरवाइज मेरे ख्याल से जो म्यूजिक बचना बजना था लास्ट वाला झंकार बिट्स वो आज कर लिया मेरे ख्याल से ऐसा हो गया हो सकता है अब यहाँ से तेजी से बाउंस ना करे साइडवेज हो जाए यू पैटर्न बना ले यू पैटर्न क्या होता है यू पैटर्न जो है ऊपर से ऐसे नीचे गिरता है फिर साइडवेज हो जाता है कुछ दिन तब जाके ऐसे ऊपर जाता है तो ये यू पैटर्न में टाइम वाइज करेक्शन करता है ना तो ये यू पैटर्न बना ले हो सकता है ऐसा सिचुएशन बन सकता है इसलिए आपको ध्यान रखना है अब बात है कि गैप डाउन का अगर ये गैप डाउन हो जाए नीचे की कंडीशन में गैप डाउन अगर हो जाता है और ये उनचास हजार यहाँ से सीधे 500 पॉइंट नीचे खुलता है 500 के आसपास में उनचास पर तो क्यों नहीं बाय करेंगे कोई रीजन नहीं है कि आप बाय ना करें बिल्कुल बाय करिएगा क्योंकि नीचे से बाउंस आपको मिलेगा और एक ही कैंडल में हो सकता है मिल जाए है ना उनचास पाँच से छह के के ऊपर तो टारगेट यहाँ पर हम बाय करेंगे टारगेट उनचास सात से लेकर पचास का लेवल आपको क्लेम कर सकता है कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो उनचास का अगर ये डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है तो रुक रुक के धीरे धीरे आएगा तब तो कोई बात नहीं डायरेक्टली खुल गया इस एरिया पे गैप डाउन तब और अगर ये गैप अप खुल जाए है ना यानी ऊपर के एरिया पे खुल जाए गैप अप यहां से 500 पॉइंट 500 नीचे तो 500 ऊपर भी तो तो 50,500 पे खुलेगा या 50,600 पे खुलेगा ये दो एरिया है तो पहला तो जैसे जिसका भाव आएगा पहले वो भागेगा कि आया आया भागो सेरा आया सेरा भागो यहां पे एक बार बिकवाली कर सकता है सेल करेंगे 50400 से लेके वापस 50100 जो क्लोजिंग प्राइस है वहां तक देन ये सपोर्ट का, का काम फिर करना शुरू कर देगा और देन इस कंडीशन से आप पुट ऑप्शन पे आप नजर रखें 50600 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स जो है नीचे आने पर है ना ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा ये ध्यान रखिएगा ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण और निफ्टी देखें तो कल है निफ्टी का एक्सपायरी है ना और निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट एरिया चौबीस हजार के नीचे जो गया है तो चला ही गया है इसको भी अगर हम अगरची का लेवल लगा दें तो कहां से आ रहा है इक्कीस हजार तीन सौ ये वाला एरिया से बार बार ये बाउंस किया था ना आप इसी को लो पकड़ लीजिए वहां से भी अगर हम देखें तो ये इसके लिए भी जीरो पॉइंट फाइव वाला लेवल ब्रेक हो गया है अगला लेवल बनता है तेईस हजार दो सौ अस्सी तीन सौ के आसपास का एक लेवल बनता है दो सौ पचास पकड़ लीजिए तेईस हजार दो सौ पचास का एक लेवल बनता है वहां से भी हम तीन सौ पॉइंट ऊपर है हम लोग तो खतरा तो इसमें भी बना हुआ है खतरा इसमें भी बना है लेकिन अगर थोड़ा सा हम इसको चार्ट को छोटा करें और हम अगर एक लाइन हल्का सा ड्रॉ करने की कोशिश करें इसी से लो ऐसे बना के इस तरफ से ड्रॉ कर दे तो पता चलता है कि भाई यहाँ पर एक एरिया है जो रोकने का कोशिश कर सकता है लेकिन अगर आप इसका लो और क्लोज अगर आज आप देख लें तो आपको कॉन्फिडेंस उतना देगा नहीं क्योंकि लो लगाया है तेईस हजार पांच सौ नौ क्लोज कर रहा है तेईस हजार पांच सौ साठ के आस पास में तो लगभग पचास पॉइंट ही लो इक्वल टू क्लोज चल रहा है तो ये बियरिश हो गया अगर ये कल अपना तेईस हजार पांच सौ के नीचे निकालता है तभी सेल करिए पहले मत करिएगा इस कंडीशन से जो आपको टारगेट बनेगा वो तेईस हजार चार सौ पचास से लेके फिर तेईस हजार आपको 350 तक के लेवल आते हुए मिल सकते हैं हालांकि 250 तक का लेवल आता है निकल के लेकिन एक ही दिन में नहीं आया ऐसा जरूरी नहीं है हो सकता है ये आपको 350 तक आते आते सपोर्ट ले ले ज्यादा खराब हो गया तो कुछ भी हो सकता है रियल लाइफ मार्केट में तेईस तीन तक का भी लेवल रख सकते हैं नज़र पे पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप नजर रखें तो तेईस के ही स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए नेक्स्ट एक्सपायरी वाला और अगर रिकवरी आना होगा तो जिसकी संभावना इसे कम है लेकिन अगर चूंकि ओवर शोल्ड हो चुका है और कल मा इसका एक्सपायरी वीकली वाला तो कहीं ना कहीं अगर ये फंस गया शॉर्ट कवरिंग में तो एक रिकवरी के चांस बन सकता उपर। उपर है इसलिए बाय करेंगे तेईस हजार सात सौ पचास अच्छा रहा तो तेईस आठ सौ जो कि लगभग लगभग आज का ओपनिंग प्राइस था वहां तक ये पहुंच सकता है कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे आप तो कॉल ऑप्शन आप तेईस हजार छह सौ के स्ट्राइक प्राइस का आप ले चल सकते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी वाला इंडेक्स ऊपर कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा इसका भी अगर हम लोग ऑप्शन डेटा देख लें हालांकि गड़बड़ ही होगा मामला लेकिन फिर भी देख लेते हैं तेईस पांच सौ पचास एकदम मनी है यहाँ पे अगर आप देखें मुकाबला क्या चल रहा है कि बीस लाख पुट राइटर कॉल राइटर साढ़े चौदह लाख है तो कह रहा है कि भाई ये हम सपोर्ट तुमको देंगे वैसे तुम मेरे ऊपर रहो और नीचे के लिए क्या बोल रहा है कि भाई नीचे आने पर आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा जब वो तेईस पर आएगा तो इकतीस साढ़े इकतीस लाख पुट राइटर इधर है सवा दो लाख कॉल राइटर है तो वो बहुत अच्छा सपोर्ट है वहां से इसको बाउंस कर जाना चाहिए हालांकि बाउंस का एरिया आपको तेईस पांच सौ पे भी मिल सकता है यहाँ पे मात्र साढ़े अठारह लाख कॉल राइटर है अब पुट राइटर सैतालीस साढ़े सैतालीस लाख है लेकिन कल ओवरऑल ग्लोबल मार्केट को भी देख के काम करना होगा कि ये किधर ज्यादा मूड बना रहा है तब ये काम करेगा अदरवाइज क्या होगा एक बार अगर तेईस पांच सौ के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट किया ना तो ये तेईस चार सौ भी आ जाएगा तुरंत से क्योंकि ऑलरेडी लोग क्या है फेयर में डरे हुए

अगर हम इसी को बेस बना लें इन केस अगर हम इसी को बेस बना लें तो क्या कर रहा है ये कि भाई यहां से यहाँ ड्रॉ कर लीजिए या आप इसको भी बेस मत बनाइए आप इसको बेस बना लीजिए कि यहाँ से हम टॉप लगा के गिर रहे हैं गिरे हैं है ना चौबीस हजार तीन सौ पचास के आसपास से तो इसके हिसाब से ये क्या बोल रहा है कि तेईस हजार सात सौ के ऊपर आपको थोड़ा मामला सीख सुधरेगा अदरवाइज तेईस हजार सात सौ के पास जाते, जाते जाते ये खराब हो जाएगा यहाँ से ये यह टकरा के फिर गिर जाएगा तो तेईस तेईस हजार सात सौ तो आपको भी मैंने ऑप्शन डेटा दे, नीचे दिखाया कि वहां पे मामला गड़बड़ है उसके ऊपर जाना है मुश्किल हो रहा है इसको क्योंकि पे कॉल राइटर ज्यादा बैठा हुआ है बयालीस लाख के आसपास में तो आप क्या कर सकते हैं तो भाई हमें बाइंग का चांस लेना होगा अगर ये गैप अप खुल जाए किसी कारण बस और तेईस हजार सात सौ पचास से लेके सात सौ के बीच में खुल जाए तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डेटा यहाँ पर ऐसे भी ये रेजिस्टेंस है तो हम सेल करेंगे यहाँ पे और टारगेट यहाँ पर आपको तेईस हजार छह सौ पचास से तेईस हजार पांच सौ पचास जो की क्लोजिंग है वहां तक आ सकता है पुट ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे तो तेईस हजार सात सौ के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं ये गैप ऑफ सिचुएशन में और अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे ही खुल गया गैप डाउन ठीक है और गैप डाउन कहाँ खुला मान लेते हैं ये तेईस हजार नीचे चार सौ का लेवल था ना याद आया तेईस चार सौ तेईस तीन सौ पचास ये दो एरिया पे अगर आ जाता है

तब जाके तैराकी कीजिए नाव चलाइए जब लहर उठा हुआ है तो अभी आप उसमें सरवाइव नहीं कर पा रहे तो अभी किनारे में बैठ के चुपचाप तमाशा तो देखिए उसमें एडवेंचर करने मत जाइए तो अभी इसी तरह का लहर चल रहा है मार्केट में आप सरवाइव अगर नहीं कर पाएंगे कर पा रहे नहीं समझ मारा रहा तो थोड़ा दिन वेट कर लीजिए ना तब फिर करिए कोई दिक्कत नहीं मार्केट कहीं नहीं भागेगा ठीक है तो ये दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है चौदह नवम्बर दो के लिए थर्सडे के लिए बाल दिवस है ना कल जी नेहरू जी का ना जन्मदिन है ना कले तो उम्मीद करिए सब कुछ अच्छा हो बढ़िया हो अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद